बांसगांव पीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में पड़ने वाले कुछ अन्य सीटों में से है, जहां बेहद कम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहां 3 बार से सांसद कमलेश पासवान के अलावा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सदल प्रसाद मैदान में हैं। शिवपाल यादव की प्रगतिशील पार्टी लोहियावादी के सुरेंद्र प्रसाद भारती हैं। उनके अलावा नेशनलिस्ट जनशक्ति पार्टी के लालचंद प्रसाद, कांग्रेस के प्रत्याशी कुश सौरभ का नामांकन खारिज हो चुका है। बांसगांव में यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी पार्टी के SBSP BSP के सदल प्रसाद को समर्थन दे रही है। वहीं आपने भी इसी सीट पर बसपा का समर्थन किया है। आजादी के करीब 1.5 दशक बाद अस्तित्व में आए बांसगांव सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों को मौका दिया है, लेकिन दलित राजनीति से उभरी बहुजन समाज पार्टी को जीत के लिए हमेशा तरसना पड़ा है। बसपा को इस सीट से दलित वोटरों के को भी एक करने में भी ज्यादा सफलता नहीं मिली है। वर्ष 1989 से वर्ष 2014 तक के हर लोकसभा में बसपा त्रिकोणीय लड़ाई में रहा है, लेकिन खाता नहीं खुला है। अब महागठबंधन के सहारे वो एक बार फिर मैदान में है। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में गोरखपुर बस्ती मंडल की एकमात्र सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है। 1962 में अस्तित्व में आए गोरखपुर जिले में लोकसभा सीट पर पहली जीत कांग्रेस की हुई थी। 1989 में बसपा ने पहली बार यहां पर अपना चुनावी भाग्य आजमाया था, लेकिन इस पर गठबंधन के सहारे सदल प्रसाद चुनावी नैया पार करने में लगे हैं। जगह जगह लोगों को अच्छा रिस्पांस भी मिला है। सपा बसपा के अलावा आम आदमी पार्टी ने तथा SP BSP के कार्यकर्ता भी उनके लिए मैदान में जुटे हुए हैं। मौजूदा सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के चलते सदल प्रसाद इस बार लोकसभा जरूर पहुंचेंगे, ये उम्मीद कार्यकर्ता लगाए बैठे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।